नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। चंडीगढ़ में स्वच्छता के नगर निगम के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी CPC ने इसकी पोल खोल दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के दिशा निर्देशों की पालन न करने पर CPC ने चंडीगढ़ नगर निगम पर 9.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चंडीगढ़ नगर निगम के तहत आते सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STP बायोमैकेनल ऑक्सीजन डिमांड POD के स्तर पर 10 mg एक तथा फेकल कॉलीफॉर्म के स्तर पर 100 MPN 100 ml से कम की पालना नहीं करते दिखे। इसे लेकर नगर निगम पर 5.60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं 3 करोड़ रुपए का जुर्माना निगम द्वारा शहर में ठोस कचरे के प्रबंध और प्रेसिंग करने में नाकाम रहने पर लगाया है। वहीं 70 लाख रुपए का जुर्माना 20 एकड़ की डंप साइट पर बायो रिमेंडिएट ओल्ड वेस्ट में नाकाम होने पर लगाया है। दूसरी ओर CPC ने चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग को भी 60 लाख रुपए का हर्जाना भरने को कहा है। यह हर्जाना रायपुर कला में STP में तय नियमों की पालन न करने के आरोप है। वहीं अलग से 60 लाख रुपए का मुआवजा NHO को लेकर भरने को कहा गया है, जहां आधुनिक डिस्चार्ज मानकों के पालन नहीं किया जा रहा। UT के स्टेट अफसर को भी कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा गया कि उन पर और ऐसे में उन पर 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इससे पहले CPCC ने विभागों को NGT के आदेशों की पालन करने के लिए कारण बताओ नोटिस और रिमाइंडर भी जारी किए थे। बता दें कि CPCC द्वारा शहर में STP और नालों की हर महीने चेकिंग की जाती है। यह जुर्माना लगभग 1 से 2 सालों की सितंबर 2022 तक ही है। CPCC ने इस मामले में जानकारी NGT को रिपोर्ट में भी दी है। निगम का कहना है कि उनके सभी 5 STP को अपग्रेड करने का काम फरवरी 2023 तक पूरा हो जाएगा। यह डिग्गियां 3 BRD धनास, रायपुर खुद और रायपुर कला में है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना।